हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। NDTN क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विजुअल टेस्टिंग मतलब VT के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं आपको विजुअल टेस्टिंग जो है उसका कुछ हिस्ट्री बताने वाला हूँ। मतलब विजुअल टेस्टिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और आप पास्ट में देखोगे तो विजुअल टेस्टिंग वगैरह जो कैसे होता था, कौन कौन से पार्ट में होता था पहले के टाइम, वो ये सब डिस्कशन हम ये वीडियो में करेंगे। विजुअल टेस्टिंग जो है वो उसको फर्स्ट NDT मेथड बोला जाता है, फर्स्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड जो यूज़ होता है। ओके, कोई भी पार्ट में आप जो भी NDT करते हैं उससे पहले VT करते हैं, मतलब विजुअली देखते हैं कि पार्ट ओके है कि नहीं, उसके बाद आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ NDT मेथड उसके ऊपर करते हैं। तो काफ़ी सिंपलेस्ट मेथड है, और इसमें जो स्किल चाहिए वो भी नॉर्मल जो VT होता है उसमें स्किल जो है वो मॉडरेट स्किल होगा तो भी आप VT जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको डिटेल VT करना है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी उसमें यूज़ करना है, तो आपको उसमें भी स्किल चाहिए होता है। ओके, तो विजुअल टेस्टिंग का कुछ हिस्ट्री ये वीडियो में हम देखने वाले हैं, और ये कहाँ कहाँ पे कैसे पहले यूज होता था, उसमें कैसे कैसे इवेल्यूएशन हुआ वो हम देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करिए। ज्वाइन फीचर का यूज़ करके आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हुए हैं, तो ये मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो का आप एक्सेस ले सकते हैं, जिसमें मेनली NDT लेवल 2 का पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है, जिसमें VT, UT, RT, PT, MT ये सब मेथड जो है उसका पूरा NDT लेवल 2 का सिलेबस मैंने कवर किया है। इसके अलावा कुछ कोड और स्टैंडर्ड के भी वीडियो है जिसका मैंने इंटरप्रिटेशन किया है, और UT के जो वेल्ड UT के प्रैक्टिकल्स वगैरह है उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप ज्वाइन फीचर का यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम हिस्ट्री की बात करें विजुअल टेस्टिंग में, तो विजुअल टेस्टिंग का पहले डेफिनेशन और उसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो विजुअल टेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो सबसे पुराना मेथड है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा, और सबसे कॉमन मेथड है NDT का। इट हैज़ बीन यूज फॉर ओवर अ सेंचुरी टू इंस्पेक्ट एंड इवेल्यूएट द कंडीशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल। तो वैसे हिस्ट्री देखने जाए तो ये तो बहुत सालों से, सेंचुरी मतलब 100, 150, 200 साल पुराना मेथड है, मतलब काफ़ी सालों से ये चल रहा है, ठीक है। पर ये वीडियो में हम जो देखेंगे उसका हिस्ट्री का जो हमको पता चलता है वो हम देखेंगे, इसका कौन कौन सा हिस्ट्री में कौन कौन सा इवेंट हुआ था वो ये वीडियो में कवर करेंगे। पर यहाँ पे आप विजुअली देखने बैठो तो विजुअली कोई भी पार्ट आप देखते हो तो सालों से ये प्रैक्टिस जो है वो चला आता है। द प्राइमरी गोल ऑफ विजुअल टेस्टिंग इज टू आइडेंटिफाई सरफेस एनोमलीज एंड डिफेक्ट सच एज क्रैक, कोरोजन एंड डिफॉर्मेशन विदाउट डैमेजिंग द इंस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि सरफेस के ऊपर कोई डिफेक्ट है, एनोमलीज है, उसको ढूंढना है। जैसे क्रैक है, कोरोजन है, या कोई डिफॉर्मेशन वगैरह आप VT में ढूंढ सकते हो। द अर्लियर फॉर्म ऑफ विजुअल टेस्टिंग इन्वॉल्व सिंपल विजुअल इंस्पेक्शन वेयर अ ह्यूमन इंस्पेक्टर वुड लुक एट द ऑब्जेक्ट एंड मेक अ सब्जेक्टिव जजमेंट बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। तो पहले के टाइम में जो विजुअल टेस्टिंग होता था उसमें क्या होता था कि जो भी इंस्पेक्टर है, जो भी विजुअल टेस्टिंग करने वाला आदमी है, वो पार्ट को देखता था और उसके ऊपर जजमेंट देता था। तो उसका जो एक्सपीरियंस है और उसको जो ट्रेनिंग दी गई है उसके बेसिस पे वो जजमेंट देता था कि ये पार्ट है वो एक्सेप्टेबल है, या इसमें कौन सा डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट चलेगा या नहीं। ओवर टाइम मोर एडवांस टेक्निक्स हैव बीन डेवलप टू एनहेंस द एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन। तो जैसे जैसे टाइम आगे गया वैसे इसमें काफ़ी एडवांस टेक्निक यूज़ होने लगी, इंस्ट्रूमेंट भी इसमें काफ़ी एडवांस आने लगे, और अभी काफ़ी सारे एडवांस टूल्स यूज़ होते हैं इसमें और विजुअल टेस्टिंग किया जाता है। तो एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी अभी काफ़ी अच्छी हो गई है पहले से।
One of these advancements was the introduction of magnifying devices such as magnifying glass and boroscope. ठीक है, तो मैग्नीफाइंग डिवाइसेस जो है जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास आएंगे मेनली, उसके अलावा बोरोस्कोप है, ये सब एडवांसमेंट आए. ओके, तो इसका यूज़ करके विजुअल टेस्टिंग किया जाने लगा. बोरोस्कोप जो है उसका एक और इसमें आता है फाइबरस्कोप करके भी. ओके, तो बोरोस्कोप और फाइबरस्कोप का ऑलरेडी मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो आप हमारा विजुअल टेस्टिंग VT का जो प्लेलिस्ट है ना उसमें जाके देख सकते हैं. Which allow inspectors to see smaller detail and surface anomalies that were not visible to naked eye. Okay, तो सरफेस के ऊपर कोई anomalies है, डिफेक्ट है, बहुत छोटा है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके आप वो देख सकते हैं. और डिफेक्ट्स विच इज़ इनएक्सेसिबल बाई सिंपल मीन्स, तो कोई कोई डिफेक्ट ऐसा होता है जो आपका इनएक्सेसिबल होता है. ठीक है, मतलब कि आप आंखों से सीधा ही उसको नहीं देख सकते, या पार्ट जो है वो इनएक्सेसिबल होता है जहाँ पे आप देख नहीं पाते हो. ओके, तो इनएक्सेसिबल एरियाज है उसका विजुअल टेस्टिंग करने के लिए बोरोस्कोप और फाइबरस्कोप का यूज़ होता है. इसके अलावा अभी वीडियोस्कोप भी मार्केट में अवेलेबल है, तो उसका भी कोई और एक वीडियो में हम बात करेंगे, तो इसके यूज़ करके भी आप विजुअल टेस्टिंग कर सकते हैं. This was a significant development because it enabled inspector to detect smaller defect that were previously difficult to see. Okay, तो ये काफ़ी सारा एडवांसमेंट हुआ है और इसके बेसिस पे अभी जो इंस्पेक्टर लोग होते हैं वो VT करते हैं, और पहले के टाइम में जो डिफेक्ट है वो डिफ़िकल्ट होती थी देखने में, अभी आराम से वो देख पा रहे हैं. अभी देखिए विजुअल टेस्टिंग का पुराना हिस्ट्री की बात करें तो हैंडबुक वगैरह आप देखोगे ना विजुअल टेस्टिंग का, उसमें आपको हिस्ट्री मिल जाएगा. उसमें से मैंने ये कुछ हिस्ट्री यहाँ पे लिखा है. देखिए, बॉयलर इंस्पेक्शन इन दी लेट 1800s, मतलब 1800 की साल जो होती थी वो सेंचुरी में, एंड अर्ली 1900s वॉज एन अर्ली एप्लीकेशन ऑफ विजुअल टेस्टिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो US में पहले के टाइम पे ये बॉयलर इंस्पेक्शन में, ठीक है, बहुत मतलब 100 साल 150 साल पुराना जो एरा था उसमें विजुअल टेस्टिंग यूज होता था बॉयलर इंस्पेक्शन में. इंस्पेक्टर वुड चेक द इंटीरियर्स ऑफ बॉयलर दैट देयर कंपनी वुड एंश्योर फॉर कोरोजन एंड क्रैकिंग. तो इंस्पेक्टर इसमें क्या चेक करते थे, कोरोजन नहीं है ना और क्रैकिंग नहीं है. ठीक है, बॉयलर का जो इंटरनल एरिया जो होता है इंटीरियर्स, उसमें ये चेक किया जाता था. द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ASME बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड जो 1915 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जो ASME हमारा कोड है ना उसका पहला एडिशन जो था वो 1915 में इंट्रोड्यूस हुआ था. तब उसका नाम जो है ना वो अलग था, ASME बॉयलर प्रेशर वेसल कोड नहीं था. अर्ली स्टेट्स विजुअल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर कास्टिंग. ठीक है, तो वो टाइम पे भी ये जो ASME कोड था ना उसमें वो टाइम पे भी कास्टिंग का विजुअल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो लोगों ने दिया हुआ था. कैसा क्राइटेरिया था, फ्री फ्रॉम ब्लेमिशेस, स्केल और श्रिंकेज क्रैक. ठीक है, तो कोई भी कास्टिंग है ना उसमें ब्लेमिशेस, स्केल या श्रिंकेज नहीं होना चाहिए. तो ऐसा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो 1915 में भी दिया हुआ था ASME ने. ठीक है, विजुअल टेस्टिंग ऑफ कास्टिंग का, तो ये बहुत पुराना मेथड है. द हिस्ट्री ऑफ बोरोस्कोपी स्टार्ट हावेवर आउटसाइड द इंडस्ट्री इन मेडिसिन. ठीक है, बोरोस्कोपी की बात करें ना तो सबसे पहले वो मेडिकल इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ था. तो मेडिसिन मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे पहले बोरोस्कोप वगैरह यूज होता था, उसको है ना एंडोस्कोप बोला जाता था. अभी भी जो हम बोरोस्कोप इंडस्ट्रियल विजुअल टेस्टिंग में जो बोरोस्कोप जिसको बोलते हैं ना उसको डॉक्टर लोग हैं ना वो एंडोस्कोप बोलते हैं, या वो जो पूरा प्रोसेस है टेस्टिंग का उसको एंडोस्कोपी बोलते हैं. द वर्ड डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर लुक इनसाइड. ठीक है, ग्रीक वर्ड जो है ना लुक इनसाइड, उसको एंडोस्कोप ऐसा बोला जाता है, तो उसके ऊपर से ये वर्ड आया है. वेर यूज इन मेडिसिन टू लुक इन द इंटीरियर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने के लिए डॉक्टर लोग एंडोस्कोप वगैरह का यूज़ करते हैं, और
ये पहले मेडिकल फील्ड में आया था और उसके बाद हम विजुअल टेस्टिंग, इंडस्ट्रियल विजुअल टेस्टिंग में ये बोरोस्कोप का यूज़ करते हैं, जिसमें भी हम कोई भी पार्ट या कोई एरिया है ना, जिसका अंदर की साइड जो इनएक्सेसिबल एरिया है ना, उसको देखने के लिए, मतलब इनसाइड देखने के लिए हम बोरोस्कोप या फाइबरस्कोप का यूज़ करते हैं। उसके बाद जॉर्ज एस क्रैम्पटन, फिजिशियन विद द एम्बिशन ऑफ एन इंजीनियर, ट्रांसफर्ड हिज एक्सपीरियंसिस फ्रॉम मेडिकल एप्लीकेशन इंटू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये फिजिशियन था जॉर्ज एस क्रॉम्पटन। ठीक है, वो एक्चुअली उसको इंजीनियर बनना था पर वो फिजिशियन बन गया। तो उसने क्या किया कि उसके एक्सपीरियंस अलग अलग किए, और ये जो मेडिकल फील्ड में जो एंडोस्कोप यूज होता था ना, उसको उसने हमारा इंडस्ट्रियल फील्ड में यूज़ किया। इन 1921 ही डेवलप द फर्स्ट बोरोस्कोप फॉर वेस्टिंग हाउस कंपनी टू चेक फॉर डिसकंटिन्यूटीज इनसाइड अ स्टीम टर्बाइन। ठीक है, स्टीम टर्बाइन के अंदर देखने के लिए उसने बोरोस्कोप बनाया था 1921 में सबसे पहले। ठीक है, तो ये पहला बोरोस्कोप था, और उसकी कंपनी जो है वो वेस्टिंगन हाउस करके कंपनी थी, उसके लिए उसने ये बोरोस्कोप बनाया था। यहाँ फिगर भी दिया हुआ है, देखिए पहले के टाइम में इस तरह से ये बोरोस्कोपी की जाती थी। ठीक है, ये पूरा स्टीम टर्बाइन है, उसको अंदर देखने के लिए ये आदमी जो है यहाँ से देख रहा है बोरोस्कोप से। सिमिलर पैटर्न वॉज फाइल्ड सेपरेटली इन 1927 फॉर अ बोरोस्कोप टू इंस्पेक्ट द इनसाइड ऑफ गन बोर्स, फिगर बिलो। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू क्रैम्पटन एक्टिवली सपोर्टेड द यूएस आर्मी बाय चेकिंग द बोर्स ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। ठीक है, तो ये जो गन होती है, यहाँ पे गन दिख रही है, उसके जो बैरल होते हैं, ये इसका बैरल है, उसको चेक करने के लिए भी यहाँ पे ये इस टाइप का बोरोस्कोप यूज होता था। ठीक है, तो इसका पैटर्न जो है ना, वो पहले 1927 में रजिस्टर्ड किया गया था। ओके, तो ऐसे करके पूरा बोरोस्कोप है ना, बाद में मार्केट में आया, और अभी काफ़ी एडवांस, आपने देखा हो तो काफ़ी एडवांस टाइप के बोरोस्कोप मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, और आप इंटीरियर कोई भी देखना है, जैसे स्टीम टरबाइन का है या फिर कोई पाइपिंग का इंटीरियर आपको देखना है, ठीक है, तो आराम से आप देख पा रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे बोरोस्कोप के अलावा फाइबर स्कोप भी यूज होता है, जो जहाँ पे बैंड है, जैसा एल्बो ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे एल्बो का जॉइंट है, तो इसमें भी आपको चेक करना है, तो फाइबर स्कोप है ना, वो बैंड भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने इंसर्ट किया इधर से, ठीक है, तो इधर बैंड होके ये जॉइंट का भी आप देख सकते हो इंटरनल कैसा है और उसका इंटीग्रिटी कैसा है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम जो है वो वर्क करता है। पहले के टाइम में कुछ एडवांसमेंट नहीं था, पर काफ़ी अभी के टाइम में काफ़ी सारा एडवांसमेंट इसमें आ गया है। तो ये कुछ विजुअल टेस्टिंग का हिस्ट्री था जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।